स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपके पास है लावा O2 मोबाइल और आप अपने मोबाइल में ऐप को लॉक करना चाहते हो, कैसे लॉक करोगे, कोई भी पर्सनल एप्लीकेशन पे कैसे लॉक लगाओगे, तो ऐप को लॉक करने के लिए दोस्तों अपने मोबाइल की सेटिंग्स को आप ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाता है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल में इस तरह से ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप लॉक पे क्लिक करेंगे दोस्तों। अगर आपने पहले से कोई भी प्राइवेसी लॉक बनाया तो वो डालेंगे, अगर आपने नहीं बनाया रहेगा तो आपके मोबाइल में दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। जैसे ही शो हो जाता है आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहती हैं इस तरीके से आपके मोबाइल में आ जाती हैं। अब आपको करना क्या है, इसके सामने आपको जो भी लॉक करना है वो सेटिंग आपको ऑन कर लेना है, इस तरीके से टिक कर देंगे। और नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों ऐप इंक्रिप्शन, तो आपको ऐप इंक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और वहां से आप प्राइवेसी लॉक बना लेंगे। अगर नहीं वहां पे ऑप्शन मिलता है थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, सेट द ऐप लॉक का ऑप्शन पे मिल जाता है, यहाँ से आप अपने मोबाइल में कोई भी एक लॉक सेट कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों मैं पहले से पैटर्न बना लेता हूँ और उसके बाद में फिर से आपको सेम बटन वही कंफर्म कर देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे और हमारे मोबाइल में दोस्तों पैटर्न लॉक सेट हो जाएगा या प्राइवेसी लॉक जो है रहता है वो सेट हो जाएगा। मान लीजिए फोटो जो एप्लीकेशन को लॉक किया था देखते हैं इसमें प्राइवेसी लॉक सेट हो चुका है, जो मैंने वहाँ पे पैटर्न बनाया था वो यहाँ पे डालेंगे और हमारे मोबाइल में दोस्तों फोटो जो एप्लीकेशन देख सकते हो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल में कोई भी ऐप को आसानी से लॉक कर पाओगे।